open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. Hello viewer, मैं कुणाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पोच फर्नीचर पे। वीवर, आज मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहा हूं वो एक एल्बर्टन का सोफ़ा है, कॉर्नर सोफ़ा है। आइए पहले मैं सोफ़ा का एक व्यू देता हूं, उसके बाद सोफ़े के बारे में आगे बात करता हूं। ये जो सोफ़ा है ये सिंगल कलर पे बनी हुई है और इसमें हाइलाइटर कुशन का यूज़ किया गया है। ये कुशन में जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो मॉर्फिनो फैब्रिक यूज़ किया है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात इसकी फ्रेमिंग की बात करूँ तो फ्रेमिंग पूरी वुडन है, पाइन वुड की पूरी फ्रेमिंग है। और नीचे जो आप ये बेस देख रहे हैं, लेग देख रहे हैं, ये फुली ब्रास की लेग दी गई है और ये भी पूरी राउंड शेप में दी गई है, फ्रंट साइड में भी है और बैक साइड भी दी गई है। उसके बाद जो मैंने यूज़ किया ये फॉर्म, ये हाई डेंसिटी फॉर्म है, पूरी सॉफ्टी फॉर्म यूज़ किया है मैंने। से बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको हार्ड नहीं, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए फॉर्म, तो उसके लिए उन कस्टमर के लिए मैंने ये सोफ़ा में सॉफ्टी फॉर्म यूज़ किया है। ये देखिए आप, ये देखिए कितना स्मूथ है, कितना फ्लेक्सिबल है। उसके बाद मैंने सोफे के लुक में थोड़ा चेंजेस किया है। ये देखिए, जो पहले इससे पहले जो मैंने सोफ़ा दिखाई थी वो डुअल टोन पे थी, पर ये सिंगल टोन पे है। इस पर मैंने इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें पाइपिंग का यूज़ किया है जो लाइट कलर की है, डार्क पे लाइट का कॉम्बिनेशन दे रहा है। उसके बाद इसमें देखिए कुशन्स मैंने यूज़ किए हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 कुशन्स बड़े यूज़ किए हैं और 4 कुशन छोटे यूज़ किए हैं। ये कुशन दोनों तरफ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ और सिंगल सोफे के मैचिंग पे भी रख सकता हूँ। प्लस ये छोटा कुशन है, ये भी देखिए, ये भी दोनों तरफ से है। एक साइड तो सोफे के कलर की है और दूसरी साइड जो है वो हाइलाइटर है। और इस फैब्रिक जो है इस पे पूरा फर का यूज़ किया गया है, ये सोफ़ा की लुक को गॉर्जियस बनाती है। ये देखिए पूरी एकदम स्मूथ है और ये जो फर है वो अच्छी क्वालिटी के, ये देखिए ये निकलती नहीं है। मतलब कुछ कस्टमर इसे देख के डर जाते हैं कि अभी तो ये ऐसा है, कुछ दिनों के बाद ये निकलने लगेगा, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये वाइट कलर की है तो ये वॉशेबल भी है, गंदे वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कि कुछ दिन बाद गंदा हो गया तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप इसे ईजी वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं सोफ़ा की साइज़ की बात करूं तो ये दोनों तरफ से सेम साइज़ का है, ये लगभग 9 फीट बाई 9 फीट का सोफ़ा है। और एक चीज़ और इसमें मैं दिखाना चाहूँगा जो बिल्कुल दूसरे सोफ़े से अलग हट के है, ये देखिए ये सोफ़ा का हैंडल। ये आप जितने भी सोफ़े आज तक देखे होंगे वो जो हैंडल होता है वो 90 डिग्री बेस्ट होता है, पर ये हैंडल जो है ये 75 डिग्री बेस्ड है। देखिए ये थोड़ा अंदर की ओर कर्व किया गया है, इससे क्या होता है कि जो ये साइड का व्यू है, जब कोई कस्टमर अगर थोड़े दूर से देखते हैं इसे तो ये जो साइड का कर्व व्यू आता है ये बहुत सुंदर आता है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं बता रहा था इसमें चारों तरफ दी गई है, मैंने कहीं भी कॉस्ट की कोई बचत नहीं की है, मैंने फुल कॉस्ट इस पे लगाया है ताकि ये हर तरफ से सुंदर और गॉर्जियस दिखे और लोग इसे पसंद करें। आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा कलर है, डार्क कलर में है, ग्रीन शेड में है, बॉटल ग्रीन कलर है ये। ये सोफ़ा मैंने दिखाया, अब मैं आपको एक और सोफ़ा दिखाता हूँ, आइएगा।
तो व्यूवर, आपने सोफ़ा का व्यू देखा, एक लुक देखा। सबसे पहले मैं सोफ़ा की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना चाहूँगा। ये सोफ़ा की जो लंबाई है ये लगभग आपका 9 फीट है और चौड़ाई जो है वो 7.5 फीट का ही है। इसके बाद ये जो सोफ़ा है ये भी एल पैटर्न पे है, लेकिन दूसरे सोफ़े में आपने देखा कि वो एल पैटर्न सारी सीटिंग एरिया के लिए रहती है, लेकिन ये वन साइडेड सीटिंग एरिया और वन साइडेड लॉन्चर दिया गया है, काउच टाइप का दिया गया है। मीन्स क्या है कि अगर आप जैसे बैठे बैठे इस पर टीवी देख रहे हैं, अगर बैठे बैठे थक गए, मन किया थोड़ा रिलैक्स फील कर ले, थोड़ा लेट चाहें, तो आप इजीली ये कुशन को हटा कर ये कुशन लगा कर आप इजी से रिलैक्स करके देखें किस तरह आराम से सो सकते हैं और लेटे लेटे आप टीवी देख सकते हैं। ये इस साइड की जो सीटिंग एरिया है, फॉर्म है, ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टी मैंने डाला है इसमें, क्योंकि ये सोने के पर्पस से, लेटने के पर्पस से, और सीटिंग एरिया को थोड़ा हार्ड बनाया है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप की जो सोफ़ा है ये इंडिया में 2-3 जगह ही बनती है, जिसमें से एक हमारा भी है, पीओजे फर्नीचर, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इसमें मैंने पूरा लेग हो या ये फ्रेम हो या हैंडल हो, पूरी मैंने इसमें वुडन की वर्क की है और उसके ऊपर पूरा प्योर पॉलिश किया है। और फॉर्म हाई डेंसिटी फॉर्म है, उस साइड सॉफ्टी फॉर्म है, प्लस इसके ऊपर मैंने फैब्रिक यूज़ किया है, स्वेट फैब्रिक डार्क साइड पे, ताकि गंदे वगैरह होने का कोई, जैसे उस साइड सोने का है तो जब पैर ऊपर चढ़ाए तो गंदा वगैरह होने का कोई चांसेस ना रहे। ये देखिए, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कुशन्स, ये भी कुशन्स काफ़ी बड़े हैं, इसमें रेक्रॉन का यूज़ किया गया है और इसमें स्टिचिंग का वर्क किया हुआ है। ये देखिए, सारी मशीन से स्टिचिंग होती है, कोई हैंड से मैंने इसमें कोई वर्क नहीं किया है। इसकी फील देखिए कितनी अच्छी फील है इस पर। और इस कपड़े की एक और फ़ायदे हैं कि अगर जैसे आप घर पे बैठे हैं, इन केस अगर इलेक्ट्रिक चली जाती है और कोई सुविधा ना हो इलेक्ट्रिक का कुछ देर के लिए, तो जो पसीना वगैरह होता है, स्वेट होता है, ये स्वेटिंग नहीं आती है इसमें। और ठंडे के दिन पे भी अगर आप आके बैठे तो ठंडा फील नहीं होता है इसमें, ये हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है, हमेशा इस पर बैठने से नॉर्मल टेम्परेचर फील होता है। उसके बाद अब इसका वर्क देखेंगे, सोफ़ा का साइड व्यू देखेंगे कितनी खूबसूरत है, पूरी नेटवर्क किया गया है साइड व्यू पे। ये देखिए ये सारी जो कटिंग होती है ये सारी मशीन के द्वारा होती है। इसकी आप फिनिशिंग देखिए, ये सारी जर्मन मशीनों से कटिंग की गई है, उसके बाद ये घिसाई होती है, फिर जाके ये पॉलिश होती है, इसलिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और सोफे के साथ मैंने एक टेबल भी रखा है, और ये भी जैसे सोफ़ा का साइड व्यू है उसी तरह सेम साइड व्यू मैंने इस टेबल में भी दिया है। ये देखिए सेम, और इसके ऊपर जो टॉप है वो ग्लास की आएगी, टफन ग्लास रहेगी, 8mm की या 12mm की आप टफन ग्लास इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों ने सोफ़ा देखा, हमारी एक बॉटल ग्रीन कलर में और एक वुडन बेस्ड सोफ़ा जो है, ये दोनों सोफ़ा हमारी ऑनलाइन साइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे ऑनलाइन कस्टमर बनना चाहते हैं तो हमारे साइट पे विज़िट करें, हमारा साइट है www.pojfurniture.com, आप हमारे साइट पे विज़िट करें, वहाँ इसकी आपको प्राइस, मटेरियल, डिटेल सारी मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हैं और ये आपके घर तक होम डिलीवर हो जाएगी। तो व्यूअर, कैसा लगा हमारा वीडियो, ये हमारा प्रोडक्ट, इतनी प्यारी प्यारी मैं सोफ़ा या फर्नीचर में लेकर आता हूँ हर दिन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।